तो ऐसी कुछ टनल है सुंदरनगर साइड से आते वक्त जो कीर्तपुरा आ रहे हैं, तो ऐसी दिखती है भाई टनल। और यह रही टनल की एंट्री, पीछे से ओवरटेक के लिए बोल रहा है बंदा, क्या बोलो इसको भाई। और भाई ठंड कितनी है भाई अंदर आना, टनल के अंदर भाई ठंड है। जैसे टनल से हम बाहर निकलेंगे ना, वैसे ही भाई गर्मी का बुक्का ऐसे निकलेगा ना, खतरनाक वाला। देख लीजिए दोस्तों, ऐसा कुछ माहौल है फोर लाइन का। बाहर निकलते ही आपको मिलेगा लैंडस्लाइड, क्योंकि दूसरी लेन बंद है। ये देख रहे हो आप, ये सारा ये सारी पहाड़ी भाई आज सुबह सुबह लग रही है मेरे को। देखिए ऊपरले वाली लाइन तो बंद ही कर दी है भाई, बंद हो गई है। पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा बंदे हैं। कांगू यहाँ से 4 किलोमीटर, जो मैंने बताया जहाँ बिजली पैदा होती है अपने बिलासपुर के लिए, जो बिजली आती है ना यहाँ पे बनती है कांगू साइड, इस साइड पहाड़ियों से परली साइड जाके। दिल्ली भाई यहाँ से 374 किलोमीटर है भाई, 374। साइड से भाई ब्रह्माणा फैक्ट्री कुछ ऐसी दिखती है, अगर आपको दिखाई दे रही होगी सामने। ये रही भाई अपनी सतलुज नदी, नीचे गांव भी हैं लोग, मतलब घर भी है लोगों के काफ़ी ज़्यादा। और उस साइड से घूमते हुए आ रही है ब्रह्माणा वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से पहाड़ियों से होते हुए, और अपने बिलासपुर साइड से नीचे को बाखड़ा को चली जाती है। ये देखिए ऐसा कुछ माहौल है यहाँ के गाँव का। और नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा घर भी हैं, और उन पार वाली साइड भी घर है, और नीचे रोड भी है वहाँ से पार को जाने के लिए, और जहाँ नीचे जा रहा है ट्रक भाई। और पहाड़ देखिए भाई, यहाँ से भी कहीं किसी भी टाइम पहाड़ ऊपर से नीचे गिर सकता है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रोक नहीं लगाई गई है। बिलासपुर यहाँ से 22 किलोमीटर बताया जा रहा है, और नदी देखिए नीचे सतलुज। और वो रहा वो ब्रिज जो मैं बता रहा था जब जा रहा था वहाँ पे ट्रक वगैरह, और नीचे भी भाई इस साइड से आते हुए आते हैं, उस साइड से घूमते, और ये डहर वाली साइड को जाता है ये रास्ता, पर वो देख लीजिए। अब भाई हम कहीं भी रुकेंगे नहीं, अब सीधे भाई टनल आएगी एक और आगे। लेटेस्ट अपडेट जो है हमारे चैनल पे मिलता है, जो भी होता है हम जो है भाई नया फ्रेश ब्लॉग बना के डालते हैं जो भी होता है हमारा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अपनी दोस्तों फैमिलियों के साथ। और जो भी भाई नया देख रहा होता है ना भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। आ गया भाई अपना टोल प्लाजा, क्या बात है। इस साइड से भाई ये वन लाइन से हम क्रॉस करने वाले हैं, अभी दूसरे पे बंद रखा हुआ है इन्होंने। और बताया जा रहा है कि इस रोड के साथ साथ जो है ट्रेन वाला ट्रैक भी चलेगा, अब वो पता नहीं किस साइड से होते हो जाएगा, पर नीचे वाली साइड काम चला हुआ है उस चीज़ का भी, अगर हो पाएगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा उसका भी। और ये रही भाई टनल नंबर 4, ये भाई पहुंच गया हम टनल नंबर 4 के पास। और इस साइड भी भाई जय माता का जो पोस्टर लगाया गया बनाया गया है यहाँ पे, ये भाई टनल नंबर 4। माहौल देख लीजिए बाहर से, क्या तगड़ी सीनरी बनाई गई है भाई यहाँ पे। और इस टनल में भाई लाइट है, पीछे से भाई पास मांग रहा है बंदा, पर हम नहीं देंगे भाई, जबकि इस रोड पे इस टनल के अंदर पास लेना मना है, तो हम क्यों दें भाई। आगे यार जाम लग गया, ठीक है कर रहा था पता नहीं काम लगा है भाई यहाँ पे, यहाँ पे चला हुआ है काम भाई टनल के अंदर। ओ भाई क्या बात है, अंदर थोड़ी सी हुटन सी है भाई। एक ये स्प्लेंडर भी तगड़ी है, बट इसमें है कंट्रोल थोड़ा कम है, और कुछ नहीं है, बंदा चाहिए इसमें जानवर कंट्रोल करने के लिए, और कुछ नहीं है। और वो जो बाइक आगे चले हुए हैं हिमालय ना, इसमें कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है भागती एकदम चकाचक है भाई ताबड़ तोड़। और ये लो भाई सारे के सारे ये रख लो कि आने जाने में आधा घंटा लगा होना हमारा ऊपर तक, जो हमने 5 नंबर टनल जो क्रॉस करके आपको बताया ना, वहाँ से सुंदरनगर मतलब 1 किलोमीटर आगे है। और ये रहा भाई बघेड़ चौक का फ्लाई ओवर, तो हम जो है ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे वाली साइड नहीं जाएंगे। अगर हमने बिलासपुर या हमीरपुर वाली साइड जाना था तो उन्हें निचली वाली साइड से जाना पड़ता, पर हम जो है कीर्तपुर वाली साइड जा रहे हैं तो हम ऊपर ऊपर वाली साइड से जाएंगे। भाई जिसने ना पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं ना मेरे चंडीगढ़ के, जो मैं पुराने रास्ते से होते हुए जाता था,
तो देख लेना आप मेरे YouTube के प्रोफाइल में जाके, वहाँ पे सारे ब्लॉग डले हुए हैं, आप देखना कितना ज़्यादा सफ़र होता है और कितना लंबा और कैसा रोड है, ताबड़ तोड़ जैसा मतलब खड्डे खोले जाते हैं उस रोड पे, और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये रोड बनाया गया है और काफ़ी कम टाइम लगता है इस रोड पे। और हम पिछले ब्लॉग में आए थे रुक्मणी कुंड, तो इसी रोड से जाते हैं वहाँ भी, तो बताऊँगा मैं कहाँ से हमने टर्न लिया था अंदर के लिए। और वो जो पहाड़ी सामने दिख रही है ना, उसके बीच में जाके रुक्मणी कुंड दिखाई देता है। यहाँ से दिखता तो नहीं है बट उसके बीच में है जाके रुक्मणी कुंड। और यह रहा भाई रुक्मणी कुंड के लिए रास्ता, यहाँ से जाता है, यहाँ से जो बाइक जा रही है यहाँ से जाते हैं। और हम गए थे इस वाली साइड से, फ्लाई ओवर से नीचे वाली साइड घूम के बीच। भाई शुक्र मनाओ आज धूप नहीं है, अगर धूप होती तो हम शायद ये ब्लॉग शूट कर पाते, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है ना आजकल, पूछो मत, इतनी ज़्यादा कि बाहर दो मिनट के लिए भी खड़ा होना हो ना नहीं हो पाएगा बंदा। और आगे फिर से काम चला हुआ है, देख लीजिए, ये देखो यार, सच्चाई बता रहे हैं हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको, जो है हकीकत वही बताई जा रही है। और ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से बता रहे हैं आपको कि हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, और यूट्यूबर की तरह जो हकीकत है वही बताएंगे आपके साथ भाई, गलत नहीं भाई। और मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है, मस्त एक नंबर। और इस मौसम में भाई घूमने का जो मज़ा है ना भाई, यहाँ से कल्लर 2 किलोमीटर है भाई सारा ही, परली साइड से जाते ना कम से कम 10-15 किलोमीटर है भाई बिलासपुर से, कल्लर बिलासपुर से। यहाँ पे मनप्रीत भाई बोल रहे हैं कि प्यास लग चुकी है, वैसे धूप इतनी नहीं अब निकली थोड़ी सी, और भी थोड़े से बादल थे बीच बीच में उसकी वजह से, बाइक कर देते हैं बंद। और वो रहा अपना नेचुरल पानी जो पहाड़ों में होता है ज़्यादातर। और भाई मनप्रीत भाई ने जो देखो ना कटिंग कितनी मस्त करवा रखी है, और गॉगल लगाई है भाई, क्या सेक्सी लग रहा है। अपनी बाइक जो है कामरुनाक से आके इतनी गंदी हो चुकी थी, तो हमने जो है इसको थोड़ा सा धुलाया, पॉलिश मरवाना, थोड़ा पॉलिश लगवाना था मैंने, पॉलिश लगवाने के लिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम जो है शाम के 6-6:30 बज रहे थे, तो उस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि धूप नहीं होगी तो उसमें शाइनिंग नहीं आएगी। तो मैंने बोला रहने दो भाई, हम खुद ही लगा लेंगे जो भी होगा। और देख लो भाई अपनी बाइक काफ़ी जानदार है भाई। और यहाँ से इंडिकेटर टूट चुका है थोड़ा सा, ये सीन हुआ था कुछ, खड़ी खड़ी बाइक ठोक दी बंदे ने। भी यूट्यूब फैमिली है भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हम लेह वाली राइड कर लें या नहीं करें, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि हम स्प्लेंडर पे ही ले वाली राइड कंप्लीट करें तो हम तभी करेंगे अगर आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम करें। पहले वाले ब्लॉग देखना और ये भी देखना कि पानी कितना ज़्यादा उतर चुका है इसका, नीचे हरियाली हरियाली हो रखी है काफ़ी ज़्यादा, क्या जन्नत है भाई। यहाँ से देखिए भाई, ये देखिए, ये देख लीजिए, ऐसी कुछ लेक है गोविंद सागर झील भाई, मज़ा है वैसे क्यों। बिल्कुल भाई, भाई उस पहाड़ी के फंसा हुआ है सारा, अभी हम वो ब्रिज क्रॉस करेंगे। हम ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और वो सामने आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, उस ब्रिज से होते हुए जाएंगे हम कीर्तपुर कैंची मोड़ साइड, ठीक है। तो देख लीजिए माहौल कितना प्यारा हो रखा है, पानी काफ़ी ज़्यादा उतर चुका है गोविंद सागर झील का। और ये जो रास्ता सामने जाता है ना, ये चला जाता है अपना एम्स के लिए, एम्स जो है अपना ये वाली पहाड़ी है ना, इससे दूसरी वाली साइड है, तो ये रख लो यहाँ से होगा कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और भाई पानी नीचे इतना मिट्टी मिट्टी हो रखी है ना पानी में बारिश की वजह से, भाई बारिश तगड़ी हो रखी है। यहाँ से हम ले लेंगे टर्न अंदर के लिए और ये रोड जाता है सीधा शिमला अपना, भाई डायवर्जन मिल जाएगा, ये देख लीजिए बंदे आ रहे हैं भाई इस रोड से।